उज्जैन के मक्सी रोड पर रामपुरा कालिथा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समापन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उज्जैन के मक्सी रोड पर रामपुरा कालिथा में बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और इस कथा का मुख्य उद्देश्य रहता है कि विश्व में सबका भला हो, इसी भावना को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जहां पर स्थानीय श्रद्धालु परिवार के साथ पहुंचते हैं और यहां पर शिव मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शिव जी नंदबाबा के गांव के पास दर्शन की आस लगाए हुए आज तक बैठे हैं। ब्रजवासी की प्रतीक्षा जीवन में एक बार करना चाहिए। ब्रज तो लीला भूमि है और ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं ली दासी ने यशोदा जगा माता जी उस साधु के होठ मिल रहे थे, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया है जिससे हमारा लाला रो रहा है, श्रृंगार कर दिया। यशोदा जी ने कहा महाराज से कहना लाला को देखना पर एक टकटकी लगा कर मत देखना, क्योंकि वृंदावन के बाकी बिहारी का स्वरूप अद्भुत है, श्रीनाथ जी का स्वरूप अद्भुत है। जब तक स्वरूप आसक्ति नहीं हो पाती भक्ति नहीं हो सकती। इस नैमिषारण्य सभा मंडपम में श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में है। आज श्री गोवर्धन पूजा और छप्पन भोग का आयोजन भगवान श्री एकलिंग नाथ जी के इस पावन धाम में रखा गया है। आज कथा के साथ साथ में हम समसामयिक विषयों के ऊपर जो हमारी एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप रखा है। आज पधारे सभी श्रद्धालुओं का उज्जैन के प्रसिद्ध डॉक्टर गण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।